10 मिनट में भुट्टे से बनने वाला ये कुरकुरा नाश्ता आपको और आपकी फैमिली को बेहद पसंद आएगा। इसे आप चाय के साथ बारिश में या ठंड के मौसम में मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। इन टेस्टी कुरकुरे पकौड़ों को हम सर्व करेंगे धनिए के इस चटपटी चटनी के साथ में, जो कि बेहद स्वादिष्ट लगती है। तो मैंने यहाँ पे ये 2 मीडियम साइज़ के भुट्टे ले लिए हैं, इन्हें मैंने छील लिया है। ये स्वीट कॉर्न है, आप देसी वाले भुट्टे या कॉर्न भी ले सकते हैं। इन्हें छीलने के बाद मैं धो लिया है और इस तरह से हम यहाँ पे पहले एक भुट्टे को एक कद्दूकस से ग्रेट कर लेंगे। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आज मैं आपको भुट्टे यानी कॉर्न पकौड़ा बनाने बता रही हूँ, जो कि बहुत ही लजीज लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को कौन सी सिटी से देख रहे हैं और आप इस तरह से भुट्टे से कौन कौन से नाश्ते बनाकर मज़े से खाते हैं, कमेंट्स में नाम ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, मैंने इस तरह से ये भुट्टा कद्दूकस कर लिया है और इस तरह से बहुत ही आसानी से हमारा एक काम तो हो गया है और इस तरह से काफ़ी सारा हमारे पास ये मटेरियल इकट्ठा हो गया है। इसे आप इस तरह से निकालने के बाद साइड में रखें। अभी मैं यहाँ पे दूसरा वाला भुट्टा ले लूँ, उसे तोड़ कर मैं इसके दाने निकाल दूँगी। किस तरह से आप भुट्टों को दाने निकाल के फ्रीज़र में महीनों तक सालों तक स्टोर कर सकते हैं, उसका मैं डिटेल वीडियो दे चुकी हूँ, आप उसे ज़रूर चेक कीजिए। टिप्स किचन टिप्स में मैंने वो दिया है। तो इस तरह से मैंने इसके दाने निकाल दिए हैं, इसे आप आराम से स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से झटपट से हमने यहाँ पे दोनों तैयारी कर ली है। अब पहले कद्दूकस के हुए पेस्ट को हम यहाँ पर एक बोल में डाल देंगे और साथ ही जो दाने हमने इकट्ठे किए थे वह भी डाल देंगे। तो मैंने आधा भुट्टा के दाने लिए हैं। अब 2 हम यहाँ बारीक कटी हरी मिर्च डालें, हरी मिर्च जरूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर ये अजवाइन के दाने डाल देंगे, साथ ही 1 टीस्पून हम यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आप चाहें तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, और साथ ही हम डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो मैंने करीब 1/2 से थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है और धनिया डाल दीजिए। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसन डालेंगे। तो बेसन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं लगता है, 3-4 टेबल स्पून हमें यहाँ पर बेसन चाहिए होता है। ज़्यादा बेसन ना डालें, नहीं तो भुट्टे का जो स्वाद है वह कम आएगा। तो अब हम यहाँ पर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर इसे पहले हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए, ज़रूरत पड़ने पे ही इसमें पानी डालें, 1 या 2 चम्मच पानी की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैंने इस पूरे मिक्सचर में एक भी बूंद पानी का यूज़ नहीं किया है, तो ये डिपेंड करता है भुट्टे की क्वालिटी पे। भुट्टे जितने फ्रेश होंगे पानी आपको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसे आप साइड में रख दीजिए। अब हम यहाँ पर चटनी बनाएंगे, इसके लिए एक मिक्सर जार लें, उसमें मैंने यहाँ पर धुला हुआ धनिया डाल दिया है। अच्छे से धनिए को खूब अच्छे से वॉश कर लें, उसका पानी निकाल दें। अब इसमें 5 से 6 हम हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम यहाँ पर इसमें डालेंगे थोड़ी सी ये अदरक और साथ ही हम यहाँ पे डाल देंगे 1 टेबलस्पून ये रोस्टेड चना, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा काला नमक और साथ ही हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार वाइट नमक यानी सादा वाला नमक। अब हम इसमें 1/2 नींबू के करीब निचोड़ देंगे, जिससे कि ये चटनी थोड़ी खट्टी भी होगी और इसका रंग एकदम हरा बरकरार बना रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, क्योंकि हमने भुना हुआ चना डाला है तो थोड़ा पानी पीता है। तो इसमें इस तरह से पानी डालने के बाद में हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। तो फ्रेंड, इस चटनी को बना के आराम से आप फ्रिज में 1 वीक तक स्टोर कर सकते हैं, बहुत ही मज़े की लगती है। इस तरह से चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम हमारे कॉर्न यानी भुट्टे के पकौड़े का मिक्सचर देख लेते हैं। अब इसमें 1 पिंच के करीब बेकिंग सोडा डाल दें, अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रखें 1 पिंच से ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो ये जो पकौड़े हैं बहुत ज़्यादा ऑयल पी लेंगे। और अच्छे से मिक्स कर लें, और जब आप इन पकौड़ों को बनाने जा रहे हैं तब भी आप इस बेकिंग सोडा डालें। अब हमने तेल को काफ़ी अच्छे से गर्म कर लिया है, फ्लेम को मीडियम पे रखें और इसमें इस तरह से बड़े बड़े रैंडम शेप के कॉर्न के पकौड़े डालते जाएंगे। तो ध्यान रखें, यदि फ्लेम आपकी लो होगी और तेल ठंडा होगा तो ये बहुत जल्दी ऑयल पी लेते हैं और पकौड़े खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे पकौड़े तेल पी जाते हैं, इससे खाने का मन नहीं करता, ना ही बनाने का मन करता है। तो आप ऑयल का टेम्परेचर मेंटेन करके रखेंगे तो आपके पकौड़े बहुत ही स्वादिष्ट बनकर आएंगे। अब हम यहाँ पर इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करेंगे, ना तो आप लो करें ना ही आप यहाँ पर इसे हाई करें, और इसे पलट लेंगे। देखिए, डालते डालते ही पकौड़े काफ़ी अच्छे से फ्राई हो गए। तो आप देख सकते हैं तेल काफ़ी अच्छे से गर्म था, अब इसे हम पलट लेंगे। तो इस तरह से फ्लैट बॉटम बर्तन में यदि आप फ्राई करेंगे तो एक साथ काफ़ी सारे पकौड़े या चीज़ें तल जाती हैं। तो हमेशा मैं इसी तरह से इन चीज़ों को बनाना और फ्राई करना पसंद करती हूँ। फटाफट से हम इन्हें पलट लेंगे और उसके बाद में हम सब तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक, कलर आने तक इन्हें फ्राई करेंगे। आप चाहें तो एंड में 1 मिनट के लिए या कुछ सेकंड्स के लिए फ्लेम को हाई कर सकते हैं, ताकि जो भी ऑयल एब्जॉर्ब किया होगा पकौड़े ने वह छोड़ देगा तेल का टेम्परेचर ज़्यादा होने से, और हमारे कुरकुरे पकौड़े कम तेल में बन जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, कम तेल में और बिना एब्जॉर्ब किए ऑयल
हम अब पकौड़े बना सकते हैं। तो इस पकौड़ों को हम बाहर निकाल देंगे। परफेक्ट कलर आ चुका है, बहुत ही बढ़िया और क्रिस्पी बने हैं। इस तरह से हम सेकंड बैच को भी फ्राई कर लेंगे। तो ये डेढ़ भुट्टे से जो मैंने पकौड़े बनाए हैं, ये दो बैच पे आराम से बन जाते हैं और चार लोगों के लिए एकदम परफेक्ट टी टाइम स्नैक के लिए ये काफ़ी होगा। तो इस तरह से देखिए कितने टेस्टी हमारे पकौड़े बन के तैयार हो चुके हैं। इन्हें आप सर्विंग प्लेट में इस तरह से सर्व करें। तो मैं आज यहाँ पर इसको स्ट्रीट के फूड के स्टाइल में सर्व कर रही हूँ। गर्मा गर्म पकौड़ों को हम सर्व करेंगे चटपटी हरा धनिया की चटनी के साथ में, जिसे हमने तुरंत अभी बनाया है। तो इस तरह से देखिए कितना बढ़िया इसका टेक्सचर आया है, बहुत ही कुरकुरे लग रहे हैं, आ रहा है ना उनमें पानी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाएं, खाएं और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको इस तरह की और कौन सी चटपटी या क्विक रेसिपीज चाहिए हमें कमेंट्स में बताएं, ताकि हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।